हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किचन में ओपन सिंक सेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको पत्थर को किस तरह से कटिंग करना है और आपको सिंक को पत्थर के अंदर किस तरह से आपको और कितना अंदर इस पत्थर में सिंक को रखना है। तो आपको इस तरह से ओपन सिंक है, ये हम आपको बता देते हैं कि इस तरह से आपको सेट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारा जो पत्थर है उसके ऊपर वाइट टेप आती है उसको लगाना है। जो सिंक आता है, जो बाहर का फ्रेम आता है, उसके हिसाब से हमें मार्क करना है कि हमारा जो सिंक है उसके बाहर की जो फ्रेम आती है उसके हिसाब से हमें पेन या पेंसिल से मार्क करना है। उसके हिसाब से हमारा जो पत्थर है कटिंग होगा। तो हमने पेन से मार्क कर लिया है, ये आपको दिख रहा है कि टेप होती है वाइट, उसके ऊपर ये मार्क है जो हमें साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ब्लैक पत्थर होने की वजह से हमारे जो पेन या पेंसिल होती है उसमें हमें साफ दिखाई नहीं देता है, इसकी वजह से हमने ये वाइट टेप चिपकाई है। तो इसके बाद हम मार्क तो हमने कर लिया है, जो हमारा सिंक आता है उसको आपको उल्टा रख के इसके हिसाब से आपको पेन से मार्क कर लेना है, चारों तरफ आपको लाइन लगा लेना है पेन से। तो इस पेन से मार्क लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ग्राइंडर से या कटर मशीन होता है इससे आपको कटिंग कर लेना है। पहले आपको ग्राइंडर से जो ऊपर का पत्थर आता है उसको आपको कटिंग कर लेना है, उसके बाद में आपको कटर को दो पत्थर होता है हमारा, दो डबल पत्थर चिपकाया हुआ है, क्योंकि ऊपर या नीचे, ऊपर का जो साउथ पत्थर लगा है और नीचे राजस्थान वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है वो लगा है। उसके बाद हमने ऊपर का जो पत्थर है वो कटिंग कर लिया। ये देखिए दोस्तों, ऊपर का जो पत्थर होता है वो हमने 4 इंची का ब्लेड रख के हमने जो पत्थर है वो कटिंग कर लिया है। जो नीचे का पत्थर है उसको हमने, जो हमारा वो कटर मशीन का फरमा होता है उसको आपको नीचे करके आपको ये दूसरे वाला पत्थर भी काटना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों पत्थर एक साथ नहीं कटे जाते हैं, आपको जो मशीन है उसका बहुत फरमा आता है। तो हमारी जो ब्लेड है 4 इंची या 5 इंची ब्लेड नहीं है, इसकी वजह से हमने पहले एक पत्थर को कटिंग कर लिया। इसके बाद में हमने ग्राइंडर की सहायता से या कटर की सहायता से आपको दोनों पत्थर कटिंग कर लेना है इस तरह से कुछ। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद में आपको सिंक को इस तरह से सेट करना है, और सेट करने के बाद में क्या करना है, जो हमारे जो सिंक होता है ऊपर होता है एक सूत, तो इसको आपको नीचे बिठाना है। नीचे बिठाने के लिए आपको क्या करना है, एक सूत या आपको ग्राइंडर या मशीन से इस पत्थर के अंदर आपको झिरी लगाना है, ताकि हमारा जो सिंक है, जो ग्रेनाइट का पत्थर होता है, उसके बराबर हमारा इक्वल आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके सिंक को निकाल के जो ग्राइंडर से या कटर से आप किसी तरह से निकाल सकते हो, तो आपको इसको निकालने के लिए वाइट टेप चिपकाना पड़ेगा दोबारे से, क्योंकि दोस्तों इसके जो ऊपर होता है दिखाई नहीं देता। इसके लिए हमने जो 1 इंची हमारी जो फ्रेम आता है उसके हिसाब से हमने टेप चिपकाना पड़ेगा। टेप चिपकाने के बाद में हमारा जो इस तरह से आपको एक सूत आपको पत्थर के अंदर बिठाना पड़ेगा, फ्रेम के लिए बिठाना पड़ेगा। इसको आपको रगड़ना पड़ेगा एक सूत रगड़ने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सिंक आता है उसको आपको बराबर करने पड़ेगा। बराबर करने के बाद में आपको एरोडाइड या केमिकल की सहायता से आपको इससे सिंक होता है उसको आपको पत्थर के अंदर, फ्रेम के अंदर आपको चिपकाना है, और आपको घसना इस तरह से बारीकी से है ताकि हमारी जो फ्रेम से बाहर जो ब्लेड होती है उसको आपको बाहर नहीं लगने देता है, क्योंकि दोस्तों बाहर लगने की वजह से हमारा जो सिंक का जो साइड का फ्रेम होता है वो गलत हो सकता है या ख़राब हो सकता है पत्थर। इसलिए आपको बारीकी से इसको ग्राइंडर की सहायता से या मशीन की सहायता से आपको लगाना है या घसना है इस तरह से कुछ। एक सूत पत्थर के अंदर आपको लगा लेना है ग्राइंडर से, जो हमारी 4 इंची की ब्लेड आती है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोरबिट आता है हमारा जो कोने वाला होता है, इसमें अंदर जो ब्लेड होती है वो साफ नहीं हो पाती है, तो आपको कोरबिट आता है मार्केट में आपको मिल जाएगा, उसकी निकालने के बाद में यह जो कोना होता है इसको आपको आधा सूत नीचे रखना है। जो पत्थर आता है इस पत्थर से आपको सिंक होता है वो आधा सूत या एक सूत भी रख सकते हो, तो इससे क्या होगा, प्लेटफॉर्म का पानी होगा सारा वो सिंक के अंदर जो बाहर नल के जरिए बाहर निकल जाएगा। दोस्तों ऊपर रखने की वजह से जो साइड का जो पत्थर पानी होता है, पत्थर का जो पानी हम साफ करते हैं तो इस सिंक के नीचे चला जाता है, इसलिए हमने सिंक को पत्थर के अंदर सेट करना है पूरी तरह से एरोडाइड या केमिकल की सहायता से चिपकाना है। ताकि इसका एक भी फायदा और है कि जब भी आप सिंक को चेंज करना चाहो तो इसको निकाल के आप चेंज करवा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ओपन सिंक में आपको चेंज करने में कोई समस्या नहीं आती है। जो हमारा पैकिंग सिंक आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, पत्थर को तोड़ना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। सिंक को अच्छी तरह से सेट करने के बाद में यह जो ऊपर का फ्रेम आता है इसको या आपको इस तरह से सेट कर देना है ताकि जो हमारी जो सब्जी या साफ करने के लिए इसके अंदर सिंक के अंदर ना जा पाए। और नीचे का जो हम जो पाइप का नल निकालने के लिए हमें जो
जाली या जो पाइप होता है उसको सेट करने के लिए आपको किस तरह से लगाना है। जो हमारी टाइल्स होती है फर्श की, फ्लोरिंग की टाइल होती है, उसके अंदर हमारे जो 4 इंची का जो हमारा जो पाइप लगा है इसके अंदर, तो आपको जाली लगवाना है 5 इंची की। 4 इंची का अगर पाइप है तो आपको 5 इंची की जाली लगवानी है, क्योंकि दोस्तों 1 इंची का जो बाहर का फ्रेम आता है वो टाइल्स के ऊपर हो जाए, ताकि जाली है वो आपके जो पाइप है उसके अंदर ना जाए। इसके लिए आपको 5 इंची की जाली होती है, उसे मार्केट से मंगवा लेना है। 4 इंची का पाइप है तो 5 इंची का मंगवाना है, आपका 3 इंची का पाइप है तो 4 इंची का मंगवाना है। तो इस तरह से आपको ब्लेड से टाइल्स को रगड़ना है, और रगड़ने के बाद में आपको एक सूत, आपको जो हमारी जाली आती है उसको आपको टाइल्स के अंदर एक सूत, जिस प्रकार से हमने जो सिंक सेट किया था एक सूत पत्थर के अंदर, उसी प्रकार से हमारी जाली आती है। तो जाली को आपको एक सूत टाइल के अंदर आपको रखना है, ताकि जो बाहर का पानी होता है जो टाइल्स पर गिरता है तो पानी सीधा जाली के अंदर से बाहर निकल जाए। इसके लिए आपको ग्राइंडर या किसी मशीन की सहायता से आपको इस तरह से रगड़ लेना है, और रगड़ने के बाद में आपको जाली लगा देना है। और जाली लगाने के लिए आपको पाइप होता है उसको, और आपको क्या करना है, जाली है उसको आपको सेट नहीं रखना है। जिस तरह आपको कुछ मिस्त्री क्या करते हैं कि उसके ऊपर सीमेंट लगा देते हैं तो फिक्स हो जाता है, आपको फिक्स नहीं करना है। फिक्स करने के बाद में यह निकल नहीं पाती है, उसके अंदर कचरा जमा हो जाता है, तो इसलिए आपको इसको खुला रखना है, ताकि जो सिंक से बाहर जो पानी आता है उसके अंदर कचरा आता है, तो इसको आप ऊपर उठा के आपको साफ़ कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको पाइप लगा देना है, तो इसके